अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोमिन गुड फार्म। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आज ट्यूसडे का दिन है और आज की मैंने जैसे कि बताया था आप सभी को कि आज की सबसे बड़ी मंडी है और वाकई में आज बहुत माल है। देख सकते हो आप दोस्तों अभी 7 बज रहे लेकिन खंडिया देख सकते हो पूरी कम्प्लीटली बन चुकी है। पहले बाड़े में आते के साथ देखा मैंने इधर पे बकरे बन चुके, 6 बजे से पहले ही बनना स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि आज टोटल बहुत ज़्यादा है और अभी भी कंटिन्यू गाड़ियाँ आ ही रही है। आज तकरीबन अच्छा खासा माल रहता है ये अपना दशहरे के टाइम पे, और मंडी वो हिसाब से थोड़ी महंगी भी होती है क्योंकि त्यौहार के हिसाब से मंडी का भाव भी थोड़ा ऊपर रहता है। बाकी जो भी है अपन चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इंशाल्लाह हो सका तो व्यापारी अगर सामने रहा तो मैं रेट भी दिखाऊंगा, आपको रेट भी कराऊंगा बकरे का क्या है कैसा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और वीडियो एंड तक देखो, और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करो उतना, ताकि जो भी नवे हैं जिनको नॉलेज नहीं, जिनको पता नहीं है देवनार के बारे में, उनको भी कुछ पता चले। तो आइए शुरू करते दोस्तों यहाँ से, पहले बाड़े से। इसमें देख सकते हो पूरा कोटा का माल है, कोटा मालवा अजमेरा तीनों माल इधर मिक्स है। तो आप लोगों को शुरुआत करते इधर से बकरियों से, देख सकते हो ये सब बकरियाँ हैं, इनकी पूरी अलग खंडी बंदी, इसमें एक भी बकरा नहीं है। और ये देखो ज़्यादातर लाल ही आप लोगों को देखने मिलेंगे। देखिए इसमें ये गुलाबी बच्चा देखिए, आज बड़े बकरे भी बहुत देखने मिलेंगे दोस्तों। इंशाल्लाह जितना होगा उतना, जितना दिखेगा इंशाल्लाह कवर करूँगा। दोस्तों वीडियो लंबी बनेगी तो प्लीज़ प्रॉपरली पूरा देखिए, क्योंकि आज माल ज़्यादा है, वही हिसाब से मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊँगा, थोड़ी ज़्यादा बड़ी ही रहेगी। बाकी एक ये बच्चा देखिए, मक्का चीना में अलग ही कलर है माशाल्लाह, लाल में है, सिंग थोड़ा अप डाउन है, सिंग एक पीछे चली गई एक आगे फेंक दिया। देखा जाए तो कोटा में ही मगर अलग ही है, मक्का चीना है, क्रॉस है, बाजू में एक मालवा है जीरापुरी टाइप। दोस्तों इस तरफ में पूरा देख सकते हो आप लोग मालवे ही है बड़े, कोटा दोस्तों इसमें कमी है, कोटा का माल शायद अभी तक इस तरफ में बंधा नहीं है ज़्यादा, थोड़े बहुत ही है, कुछ कुछ है जो खंडियों में कोटा टाइप है, बाकी सब मालवे ही है ये सब, ये अपना ये लॉट पे इधर पे जो धक्के पे बंधे हैं इसमें ज़्यादातर मालवे ही देखने मिल रहे, देख सकते हो आप लोग। इसमें सब बड़ी बड़ी बकरी है, टोटल बकरी है दोस्तों, टोटल बुड्ढी जो एज हो गई जो बांझ है वो सब बकरी है इधर पे। आइए आगे चलते हैं और क्या क्या है देखेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों देख सकते हो जैसे कि ये सब पूरा माल निकला है, बाहर आया है, बहुत से बकरे अभी पूरे, थोड़ा वीडियो में रोक दिया था बीच में इस वजह से, ताकि पुलिस वाले भी थे और दूसरे एक रीज़न के बकरे बन रहे थे और माल अंदर अंदर साइड सब बाहर आया नहीं था, तो वही सब से मैंने रोका, अभी माल बाहर आ रहा है तो अभी यहाँ वापस से शुरू किया वीडियो मैंने। तो देख सकते हो ये सब अजमेर का माल है, ये सब बहुत अंदर थे, पीछे साइड से अभी निकल के आ रहे बाहर, तो इधर से ही दिखाते हुए जाऊँगा। और बहुत सा माल आया है बाहर तो इंशाल्लाह वो सब भी दिखाऊँगा। देख सकते हो दोस्तों सब अजमेर का माल है, इसमें गुजरी बच्चे भी है, शिरोही बच्चे भी है और शाइनिंग क्वालिटी में भी कुछ कुछ बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आइए आगे भी देखते हैं क्या क्या बांधने में आया है वो हिसाब से। देख सकते हो दोस्तों अभी भी बहुत से बकरे आ ही रहे दोस्तों बाहर, पीछे साइड से भी निकल ही रहे, बाकी देख सकते हो आप लोग जो बंधे हैं सामने वो सब दिखा दूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों इस तरफ में भी अजमेर का ही माल है, देख सकते हो अभी एक व्यापारी से अभी एक बकरे का दाम पूछा मैंने, ये बच्चे का गुजरी है, फुल बाल वाला गुजरी है, इसका 12,000 रुपये कीमत के व्यापारी ने, मैंने पूछा भी इतना महंगा क्यों है, तो उसने बोला भाई आज की मंडी बहुत तेज़ है, आज का भाव 750 रुपया बिकेगा माल, कटिंग में 750 रुपये किलो बिकेगा, जैसे नॉर्मल टाइम में 600 बिकता है, 550 बिकता है, 650 बिकता है, आज के दिन बोले 750 रुपये अपना जो है व्यापारी वो बता रहे कि 750 रुपये बिकेगा आज का माल।
ऊपर बिकेगा क्योंकि आज का त्यौहार है और आज माल बहुत ज़्यादा आया है और माल पूरा निकलेगा भी इंशाल्लाह, लोग सब यही बोल रहे हैं। बाकी देख सकते हो कोटा के बकरे देखिए दोस्तों, ये बच्चा देखिए माशाल्लाह, अच्छे चेहरे का बच्चा है, कान भी अच्छे हैं माशाल्लाह, लेंथ भी अच्छी है, कारोली है पूरा। और भी दिखाऊं मैं, जैसा कि दोस्तों ये बड़े बड़े बकरे हैं कोटा के, और भाई ने लाए ये खड़े व्यापारी, इनसे कीमत पूछा हूँ मैंने, तो मैं आप लोगों को कीमत भी बताऊंगा। एक बीच में छोटा है तकरीबन 40-45 किलो का बकरा बीच में, और ये बकरे कुछ 50 किलो के आसपास के बच्चे हैं दोनों, इनकी दोनों की कीमत, ये बीए वाला और वो बड़ा वाला, इन दोनों की उन्होंने 70,000 कीमत की है, और बीच में जो खड़ा उसकी 20,000 मंगी है, सबके मंगे हुए उन्होंने, कम ज़्यादा हो जाएगा। बाकी मंडी आज की बहुत तेज़ है, जैसे कि दोस्तों ये एक बच्चा है तकरीबन 25-30 किलो के बीच में दरमियान रहना चाहिए, और लंबा बच्चा है माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अलग है। और ये बच्चे के कान देखिए, इसकी कीमत व्यापारी ने 10,000 रुपये किया है, कम ज़्यादा हो जाएगा बोला, मतलब ये साइज़ के बच्चे बोल रहा है, 10,000 के साइज़ के रेंज में भी है, और इसमें बच्चे बड़े हैं उनका रेट अलग है, सबका भाव अलग है, गोश्त के हिसाब में बिकना, लेकिन गोश्त का दाम आज थोड़ा ऊपर है। तो आइए आगे और भी देखते हैं क्या क्या है। बाकी दोस्तों ये सब भी माल देख सकते हैं, इसमें भी बड़े बड़े कोटा है, ब्लैक ब्लैक पूरे है, सब दाती बकरे, और एक ये बकरी है, इसका भी मैं कुछ बताऊंगा दोस्तों। इसके कान देख सकते हो आप लोग, पूरे कटे हुए। और दोस्तों जो कीमत मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब मैं कीमत अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ, ये व्यापारी खुद मांग रहा है, बाकी कैमरे में उन लोग नहीं आना चाहते, वो हिसाब से अपन भी नहीं उन लोग को वो कर सकते, बाकी अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, तो भी अपन बना रहे, वो हिसाब से लोग सीधा अलग से अपना कीमत बताते तो हम लोग बता रहे, बाकी ज़्यादातर व्यापारी कीमत भी नहीं बताते, लोग बोलते हैं खंडी में बिकता है, खंडी का भाव है, और खंडी का रेट पूछो तो लोग ऐसा रेट बोल देते हैं कि अपने को शर्म आती है बताने के लिए रेट वीडियो में। तो फिर भी आइए देखते हैं इनका क्या है कीमत है, क्या मांग रहे भाई पूछते हैं, और सौदा भी चल रहा है, तो आइए पूछते हैं ये बकरे का रेट एक बार। भाई ये बकरे क्या रेट है, ये वाले बकरे का, ये सामने खड़ा है ये वाला, हाँ 16,000 देख सकते हो। और ये बड़ा बकरे जो है, बड़े बकरों की क्या कीमत है, बड़े बकरों की 28,000, मतलब कोई भी लो कम ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि व्यापारी 28,000 मांग रहा है, जैसा साइज रहेगा बच्चा, बड़े बकरे का 28,000 उन्होंने बताया, उसके अंदर के भी बकरे इसमें, बाकी वेट वाले बच्चे सब देख सकते हो दोस्तों। और एक बात ये तरफ में अभी जैसा कि मैं बताया, वो तरफ के जो केजेस थे सब टूट रहे, तो अभी इस तरफ में पूरा बनाया गया है, ये सब माल देख सकते हो, अभी ये सब अभी तक बाहर नहीं आया है, अजमेर का माल है। बाकी दोस्तों इस तरफ में एक बकरा है, ये बकरा देख सकते हो आप लोग, तोतापुरी बोलेंगे या क्या बोलेंगे इतना मुझे आइडिया नहीं है, बाकी बच्चा बहुत अच्छे चेहरे का है, और मैं बता दूं दोस्तों बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट एंड फाइन है वैसे तो दिख रहा है, बाकी बच्चे की हाइट मेरे हिसाब से 42-43 होना चाहिए, 42 पकड़ के चलो, बहुत बड़ा बच्चा, बहुत बड़ी पेटी का बच्चा है माशाल्लाह, देख सकते हो भाई के कहाँ आ रहा है, बकरे की चाल ढाल देखिए आप लोग, है बहुत गर्म बच्चा है, तो किस व्यापारी का वो भी पूछेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं पूछा है व्यापारी का, दलाल से पूछा मैं, एक जन कोई बता ही नहीं रहा था किसका है, फिर एक दलाल ने बताया उसके हाथ में, उसके अंडर है बकरा, व्यापारी नहीं है, ये बकरे की कीमत 30,000 रुपये उसने की है, मेरे हिसाब से तो जो क्वालिटी है और एक हिसाब से जो हिसाब से मंडी का दाम है वही सबसे अच्छा दाम है, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का बकरा है, और जो हिसाब से लोग मांग रहे रेट वही हिसाब से तो बेस्ट ही लगा मुझे, क्योंकि बकरे के पास साइज़ है, फ्रेम है, हर चीज़ है माशाल्लाह, बोले तो थोड़ी मेहनत है बाकी बकरे पर, क्योंकि बहुत शानदार चीज़ बनने वाली चीज़ है दोस्तों ये। 30,000 रुपये मंगाया, अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा इन मतलब बकरे के लिए तो आइए देवनार में, और आप लाइव आके पूछे रेट पूछे जो भी है, ठीक है दोस्तों। और एक ये बच्चा देख सकते हो, इसका भी रेट मैंने पूछा व्यापारी, और व्यापारी तो नहीं मिला पर इसका व्यापारी मिल गया था, तो उसने इसकी 30,000 रुपये डिमांड किया है, 30,000 रुपये डिमांड है। खस्सी पालुआ है, खस्सी ने अंडूल है दोस्तों, मगर
75-80 अप्रॉक्स वेट आना चाहिए, 70 से 80 किलो, मतलब 75 से 80 किलो के बीच में बहुत गोल बच्चा है, माशाल्लाह बड़ा बच्चा है। तो आइए आगे चलते और क्या क्या देखेंगे। ये सब बकरे बिक चुके हैं दोस्तों, ये सब खंडिया बिक चुकी है, तो अभी जा रहे कसाई के बाड़े में। मैं इधर से दिखा दूँ आप लोगों को, पूरा कारोली माल था इधर, ये पूरा माल बिक चुका है। अभी ये कसाई की अपना अंडर जा रहा है, कसाई के अपना चलते जो जगह रहती है उन लोगों की, सब बकरे जमा होते हैं उस तरफ में जा रहा है। इस तरफ में इसी लॉट में एक मेवाती बच्चा भी आया था, जो वही दिखाना था मुझे, पर वो बच्चा भी बिक गया, दिखा दूंगा आप लोगों को चलते हुए मैं। बाकी उसके कान के नीचे दोस्तों गाट थी जो कि मैंने देखा हूँ, तो दिखा दूँ आप लोगों को। उस टाइम पर वीडियो बनाने नहीं दिया था व्यापारी ने। देखिए जो छोटा बच्चा खड़ा है दोस्तों, यही बच्चा देख सकते हो आप, इसके कान के नीचे गार्ड है। बाकी बहुत अच्छी चीज़ थी, माशाल्लाह खूबसूरत था, मेवाती बच्चा था, पालने लायक की चीज़ थी। अगर कोई पालने ले सकता है अगर कसाई से भी, तो भी अच्छी चीज़ है, बस थोड़ी मेहनत है। और एक ये जमुनापारी बच्चा था देखिए, और देख सकते हो आप इसमें और भी बकरे। जैसा कि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं हर चीज़ की इंशाल्लाह डिटेल्स आप लोगों को देता रहूँगा। बाकी दशहरे के टाइम में आज माल ज़्यादा है, और भी माल आ रहा है बाहर, तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। बाकी आज के दिन सबसे ज़्यादा बड़े बकरे देखने मिलेंगे, और कोटा में सबसे ज़्यादा बड़े बकरे आए हुए, हर किसी के पास 6, 7 या 5 या 4 बड़े बकरे है ही, देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों ये व्यापारी के हाथ में बकरा है, काला सरे का देखिए, इसकी कीमत व्यापारी ने 13,000 रुपये की है। बाकी बच्चा बहुत शानदार है, लेंथ वाला बच्चा है, 13,000 रुपये कीमत की। वो व्यापारी है जो साथ में जा रहा है, बाकी उससे वही मेवाती जो बच्चा था जो गया मैं, उसकी कीमत एक ने बंदे ने किया था जब मैं आया था बाड़े में, तो बनाने नहीं दिया था उस टाइम पे वीडियो, क्योंकि काउंटिंग चल रही थी, बांधने का टाइम था, तो उस टाइम पे उसने उसकी कीमत 16,000 रुपये किया था। मगर वही हिसाब से मैं आया था, वीडियो भी दिखाओ ताकि रेट भी पता चले उसका क्या है जो है सामने। लेकिन माल बिक चुका है कसाई के भाव में, शायद 8,000 या 9,000 की पट्टी पूरी माल बिका है। बाकी इसमें बड़े बकरे भी थे और छोटे बकरे भी थे, वो खंडी का हिसाब में बिकी है बकरी। बाकी जो है सामने आपके दिखा दूँ, जैसे कि दोस्तों इस तरह में भी देख सकते हैं, आज कोटा का माल बहुत ज़्यादा आया है, और ख़ास तौर पे सिर्फ कारोली आया है। ये बकरी देख सकते हो बहुत अच्छे लंबे कान की, पर इसके साइड में जख्म है, वो हिसाब से चल नहीं पा रही, बहुत तकलीफ में है। बाकी देख सकते हो आप लोग, हर जगह कारोली का ही माल है, जहाँ देखोगे वहाँ कारोली है। दोस्तों जैसा कि दोनार में तो बहुत माल आया है, पर कुछ माल बाहर से भी बिक कर आया हुआ है पार्टियों के, दिखा दूं मैं। एक ये दो, एक टेडी बर्बर है और एक सिंह वाला बर्बर है, बाकी बहुत अच्छे खूबसूरत है बच्चे, दोनों एक्टिव है, लड़ रहे हैं आपस में। और ये दिखा दूं मैं आप लोगों को, ये पंजाबी का पूरा लॉट है, सब बिक कर आए हुए बाहर से। जिन किसी भाई के भी बकरे हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताए दोस्तों, बाकी सब एक से बढ़ के एक है, मगर जो ये बच्चा है 41 हाइट होना चाहिए इंशाल्लाह, और बकरे का वजन 90 होना चाहिए दोस्तों, बहुत बड़ी पेटी का बच्चा। और उसका चेहरा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इसकी बोले तो लाजवाब चीज़ है दोस्तों, क्वालिटी में बाप क्वालिटी पंजाबी में, क्योंकि झालर उसकी इतनी है। अभी ये खंडी में इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है, मगर दोस्तों जो चीज़ है मैंने इसको खुले में देखा हूँ, बाहर से जब एंटर हुआ था बकरा, जब मैंने इसको देखा था, अलग ही लेवल की चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ा बच्चा है माशाल्लाह, और बहुत शानदार चीज़ है। जिस किसी भाई का होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताए। और एक ये देख सकते हो दो टेडी बर्बर है, ये भी बाहर से सब बिक कर आए हुए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ आती है दोस्तों बाहर से भी बिक के। और कुछ ये सब सिंधी का माल है जिस माल में ये बकरे आए हुए हैं, ये भी दिखा दूँ आप लोगों को। बाकी दोस्तों इसमें देख सकते हो बर्बरी का लॉट आया है, पूरा लॉट है, मैं दिखा दूँ एक एक बर्बरी अच्छे से, क्वालिटी देखिए दोस्तों बहुत शानदार है। वही पंजाबी का माल आया तो उसी में सब बर्बरी, ये सब दूध वाली है, इसके एक थन में प्रॉब्लम है, एक थन में गाट है, एक थन सही है वो हिसाब से। और एक ये बर्बरी देखिए, इसके सिक्के देखिए माशाल्लाह, जोड़ देखिए, ये 8 दांत की बकरी है, और वो जिसका थन प्रॉब्लम है 2 दांत की है, इसके भी थन बराबर है। और एक बाजू में ये है, एक ये पट है 2 दांत की,
ये दोस्तों ये पूरे बकरे इसमें बड़े छोटे सब मिला के दोस्तों ये 8,000 रुपये की पट्टी मतलब 8,000 रुपये से मंगी गई है। इसमें बड़ी बकरे भी है, बकरे भी कुछ है इसमें और बकरियाँ भी है। तो इसने अपना दलाल से पूछा मैंने, तो दलाल जो बैठे हुए यहाँ पे इन्होंने 8,000 रुपये की पट्टी मंगी है, बाकी कम ज़्यादा हो जाएगा उन्होंने बोले। और एक इसमें कि पंजाबी बकरी है दोस्तों, बहुत काकड़ी है बोले तो हड्डी का ढांचा मैं बोलूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये उतरी हुई है, यूज़ की हुई बकरी है। बाकी वाइट ऐसी पंजाबन है, था नहीं इसके दोनों सूख गए, बाकी पता नहीं आठ दांत पूरे कर चुकी है। इसका व्यापारी बता रहा नहीं था उसका कैसा कैसा उन्होंने बताया, तो वही सबसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ। और भी कुछ है देखेंगे इंशाल्लाह और आगे दोस्तों। जैसा कि इस तरफ में भी कोटा का माल है, देख सकते हो आप लोग, एक कोटा का मतलब कोटा का सबसे ज़्यादा दशहरे में शायद बिकता है माल, वही सबसे कोटा के जंगल का माल ज़्यादा आता है। सोचो तो जो तो ना के बराबर है, देखने मिले ही नहीं। बाकी सिंधी, कोटा, मालवा और गुजरी अजमेर का माल, ये चार ही चीज़ें मुझे देखने मिली अब तक के मंडी में। बाकी देखिए जैसा कि दोस्तों अभी भी देख सकते हो माल आ ही रहा है अंदर से, बकरे अभी भी निकल ही रहे, सब जा रहे भन्ने। दोस्तों जैसे कि सब भाई लिए, भाई कितने का लिए भाई? 10,000, 10,000 रुपये का भाई ने बकरा लिए। जैसा कि दोस्तों एक ये देख सकते हो आप बच्चा, माशाल्लाह 38 हाइट है और चार दांत फ्रेश है, चार दांत कर रहा है। बाकी चेहरा देखिए आप बच्चे पे, एक अलग ही मतलब बच्चे के ऊपर खूबसूरती है, कलर है और चेहरा है माशाल्लाह। और भाई बैठे हुए बाजू में जिनके अंडर में बकरा, उन्होंने 32,000 रुपये इसकी डिमांड की है, भाई ने इस बकरे की 32,000 रुपये डिमांड की है, जो कि नेगोशिएबल है। आके आप लाइव आइए, बात करें और कम ज़्यादा हो जाएगा। बाकी दोस्तों जितने भी बकरे थे मैंने इस तरफ से शुरुआत किया था, ये तरफ का पूरा एंड तक लेके गया मैं दोस्तों। बाकी सिंधी के बकरे मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ऐसी ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और सिंधी के इसमें से कुछ था भी नहीं, बस मेंढे थे और लंबे बाल के बच्चे थे, वही सबसे मैंने उधर बच्चे कवर नहीं किया हूँ। बाकी जितना भी था मैंने आप लोगों को दिखाया और बहुत सी चीज़ों का रेट भी बताया आपको, बड़े बकरों का जो कि आज डिमांड है, आज के दिन बड़े बकरे ज़्यादा बिक रहे, वही सबसे बड़े बकरों का भी रेट बताया मैंने और क्या भाव में बिक रहा है आज मंडी का, वो भी बताया दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो एंड कर रहा हूँ ये पे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी है। तो दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।